लोकसभा उम्मीदवारों पर सीएम हाउस में देर रात चला मंथन। सीएम हितानंद वीडी ने की चर्चा, जिन सीटों पर सहमति नहीं वहां रायशुमारी होगी। धार के बदनवार में आदिवासी सभा करेंगे राहुल गांधी। मुरैना से एमपी में एंट्री होगी न्याय यात्रा की। ग्वालियर गुना में रोड शो, महाकाल दर्शन का भी प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले लोकार्पण भूमि पूजन का मेगा इवेंट। एमपी के हर जिले निकाय में होंगे कार्यक्रम। भोपाल में मुख्य आयोजन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ग्वालियर चंबल रीवा में हल्की बारिश के आसार। एमपी में आज भी बदला रहेगा मौसम, टेम्परेचर में भी होगी गिरावट। भोपाल की झुग्गी बस्ती में दूसरे दिन भी गर्जा बुलडोजर, 104 घर हटाए गए, अब तक 134 अतिक्रमण ढहे। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले के पोला ग्राउंड में 178 करोड़ से ज्यादा लागत के 37 निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें 46 करोड़ रुपए की लागत के 9 कार्यों का भूमि पूजन हुआ। वहीं 131 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत के 28 कार्यों का लोकार्पण इसमें शामिल है। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने औद्योगिक नीति के साथ निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम और श्री अन्न मेला 2024 का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील में बीते दिनों हुई सड़क दुर्घटना के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से राशि मंजूर की। बताया जा रहा है कि नरसिंहपुर जिले के मोहपानी शुगर मिल के पास बीते दिनों एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। यहीं पर इन 3 मृतकों के परिवार के लिए मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है। भिंड में बहादुर जूपुरा स्कूल के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, प्राइम टीवी की टीम ने बहादुर जूपुरा स्कूल पर जाकर मामले की पड़ताल की तो स्कूल में ताला पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद बच्चों से पूछताछ करने पर बच्चों ने आरोप लगाते हुए बताया कि स्कूल में टीचर्स 1 या 2 दिन आते हैं और उनके आने जाने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। कोई छुट्टी वगैरह नहीं है सर, डेली तो मतलब आते ही नहीं है और फिर टाइम हो जाता है, उसके बाद ही आते हैं, जैसे कि 11:30-12 बजे और 2 बजे से बाद ही चले जाते हैं। 2 बजे बाद चले जाते हैं, हाँ। तो कितने मास्टर हैं यहाँ इसमें? टोटल 5 हैं। 5 हैं, हाँ। इसकी शिकायत जैसे आंगनबाड़ी खुलती है? आंगनबाड़ी यहाँ पे नहीं है, उत्तम सिंहपुरा पे है। अच्छा, तो जी यहाँ खाना वाना बनता है, मिलता है? खाना वगैरह तो बनता है, लेकिन जिस दिन रविंद्र सर जो प्रभारी हैं वो नहीं आते हैं तो इसका खाना उस दिन नहीं बनता है, और जो मीनू वगैरह के हिसाब से तो खाना कभी भी नहीं बनता है। अच्छा, मीनू से नहीं बनता? नहीं। क्लास बंद है क्या, छुट्टी है कि मास्टर नहीं आए? मास्टर नहीं आए। आए नहीं? नहीं आए। बोल के गए थे कि छुट्टी आज ही? नहीं। अच्छा, तो रोज आते होंगे वैसे? तो एक दिन छुट्टी आते हैं, लेकिन पूरे मास्टर इकट्ठे नहीं आते। कितने मास्टर हैं यहाँ? 5। नाम जानते हो सबका? क्या क्या नाम है? रविंद्र सर, मैं, वो वर्षा मैम, और अमर सिंह सर, और तिवारी सर, और वो नवीन सर। नवीन सर 5 हैं। स्कूल में आकर के बेटा क्या पढ़ा? कितने तक स्कूल है जी? 8 तक। 8 तक है। स्कूल में आकर के पढ़ाई करवाते हैं या पढ़ाते हैं कि नहीं? है ना, मोबाइल चलाते। मोबाइल चलाते रहते। सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या शिक्षा विभाग तक ये मामला पहुंचा है और किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई बात सामने आई है? जी मैम, बिल्कुल। आवेदन करता ने आवेदन भी दिया था डीओ साहब को, अगर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और इसकी सूचना वहाँ के आवेदन कर्ताओं ने मुझको दिया था। मैं वहाँ पर मौके पर कल पहुँचा तो 1:15 बजे स्कूल में ताला पड़ा हुआ मिला था, और बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि एक एक दिन दो दो दिन छोड़ के टीचर आते हैं स्कूल में और उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 2:30-3 बजे स्कूल बंद करके चले जाते हैं। और बच्चों ने आरोप भी लगाया है कि बच्चों से टीचर काम कराते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। जी, क्या जिला प्रशासन की ओर से इस बाबत कोई भी कार्रवाई करने की कोई बात कही गई है? जी मैम, मैंने संपर्क किया था जिला शिक्षा अधिकारी से, आरपी नागर जी से, ऑफिस पर भी जाने की कोशिश की, ऑफिस गया मैं तो परीक्षा में ड्यूटी होने के कारण ऑफिस डीओ साहब नहीं मिल पाए। फिर उनको मैंने दिन में 2 बजे से करीबन शाम तक कॉल किया, डीओ साहब ने मेरा कॉल उठाना कोई जरूरी नहीं समझा। जी मैम। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद सत्येंद्र।
बुरहानपुर से होकर जाने वाली खंडवा अकोला लाइन एक बार फिर से शुरू होने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि बीते बजट में 888 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन लगातार केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध करने के बाद अब बजट में खंडवा अकोला रेलवे लाइन के लिए 910 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए क्षेत्र की जनता की ओर से सांसद ज्ञानेश्वर पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार प्रेषित किया। देखिए ये बजट जो है, ये बजट पूरे देश के गरीबों के कल्याण की योजनाओं को लेकर, हमारी मातृशक्ति को मजबूत करने को लेकर, हमारे समूह की लाडली दीदियों को लखपति बनाने का जो निर्णय किया गया है, और 10-20 लाख नहीं 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और चाहे मातृशक्ति हो, चाहे किसानों के कल्याण की बात हो, चाहे गरीबों के कल्याण की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाली, रोजगार देने वाले बनाने की बात हो, तो चारों वर्गों को विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अपनी सरकार ने इस बजट में विशेष रूप से उनका ध्यान रखा है। डिंडोरी में सिटी कोतवाली पुलिस ने आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला की शिकायत पर तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि शासकीय राशि का गबन और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, जिसमें अब अपराध दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी गई है। एक राम कृपाल चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनके द्वारा शासकीय राशि की अनियमितता के संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय को शिकायत दी गई थी, जिसके लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला स्तर पर एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से जांच की गई और शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए जाने पर कलेक्टर महोदय को अपना जाँच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद कलेक्टर महोदय के द्वारा यह जांच रिपोर्ट राज्य स्तर पर सबमिट की गई थी, जिसके लिए राज्य स्तर पर जनजाति कार्य विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुनः प्रतिपरीक्षण और अनावेदक के विरुद्ध शासकीय राशि के संबंध में पुनः जांच की गई, जिसमें उनके द्वारा शासकीय राशि में अनियमितता के संबंध में जो शिकायत दी गई थी उसको सही पाई गई। इनके द्वारा अनावेदक अमर सिंह उइके तात्कालिक सहायक आयुक्त के द्वारा विभिन्न मदों की शासकीय राशि का छलपूर्वक गबन किया गया है। इसकी विभागीय उच्च स्तरीय जाँच हुई थी और उसमें जांच में अनियमितता पाई गई थी। 2,59,00,000 के लगभग अनियमित भुगतान कुछ फर्मों को, कुछ व्यक्तियों को किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में FIR दर्ज करा दी गई है और उसको राज्य शासन को सूचित किया जा रहा है। छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा मामला, छात्रवृत्ति घोटाले से एक जबलपुर के व्यक्ति ने 2019 में शिकायत की थी, उस शिकायत के परिप्रेक्ष्य में ये जाँच हुई है और छात्रवृत्ति के पूर्व की राशि थी, ये बात सही है, और उसको राज्य शासन में जमा किया जाना था, किंतु उसमें जमा न किया जाकर ये अनियमित भुगतान फर्मों को, व्यक्तियों किया गया, जो पूर्णतया नियम विरुद्ध है, इसलिए FIR कराई गई। ग्वालियर में एक बार फिर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 17 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मुरैना से ग्वालियर जा रही बस पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद जलालपुर के IIITM के सामने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और इस हादसे में बस में सवार 5 यात्री और ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 12 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसा बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ है। थाना हजीरा क्षेत्र में मल्लगढ़ा के पास जो मुरैना ग्वालियर रोड है उस पर एक हादसा हुआ, उसमें बस पलट गई है। ये बस मुरैना से आ रही थी और एक ट्रॉली से टकरा गई, ट्रैक्टर ट्रॉली से। दोनों तरफ जो सवार थे वो घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वर्तमान में ट्रैफिक को क्लियर करा रही है पुलिस और व्यवस्था बना रही है। ये बस वाला भयंकर स्पीड से चलाया और इसने ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर पूरी गाड़ी पलट दी। कहाँ से आ रहे थे? मैं अभी मुरैना से आ रहा था ग्वालियर।
है, बस इसी बस से आ रहा था। इस बस के इसके 7-8 लोग घायल है, इसमें एक की तो टांग टूट के बेचारा चिल्ला रहा था भयंकर बुरी तरह से। हम लोग भी पूरे दब गए थे इसके अंदर, तब जाके निकले। लापरवाही, ये लापरवाही पूरी ड्राइवर की 100% उसने इतनी फास्ट चलाई तो गाड़ी एकदम बस बचाने की, ट्रैक्टर को बचाने चक्कर पूरी गाड़ी पे ऐसी ऐसी पलट गई, इतनी दूर तक रपटी थी। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकास production.gfx@gmail.com पर।